स्वागत है आप सभी का कृषि हब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं खेत में जा रहा हूं और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, थोड़ा सा धूप निकला हुआ है इस टाइम। तो जैसा कि हमने गेहूं में छिड़काव किया था दवा का, भुड़ली वगैरह का जो भी दवा होता है, ठीक है, तो परसों छिड़काव किया था, तो तीसरे दिन खाद का इसमें छिड़काव किया जाता है गेहूँ के खेत में। तो आज तीसरा दिन है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार खाद का छिड़काव हो रहा है। और भाई साहब हैं खेत में, वहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं। अभी मैं साइकिल पर हूँ। खेत का सीन है ये, मेरा जो खदरे वाला खेत बोला जाता है, हर गांव में होता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, हालत पतली हो रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा मैंने जैकेट वगैरह पहना हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैं साइकिल से आ रहा हूँ। भाई सब हैं खेत में, खाद लेकर आए हैं, दो बोरा खाद, और यहाँ पर 2.5 बीघे में छिड़काव करने वाले हम लोग। तो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला आप सभी को। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और गाइस, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कृषि हब यूट्यूब चैनल आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस पर कृषि संबंधित सभी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और उस पर बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं कृषि संबंधित, तो आप लोग उसका फ़ायदा लेते रहिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे ब्लॉग में दिखाते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये रैंडमली ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई है खेत में छिड़काव कर रहे हैं खाद का। ये लोग एक घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले आए थे अप्रॉक्स, मुझे कंफर्म नहीं पता है। मैं कहीं बाहर गया था, उस साइकिल पे, दूसरे वाले साइकिल पे खाद आया था 2 बोरी, और इस साइकिल से मैं आया हूँ, ठीक है। और ये मेरे छोटे भाई साहब हैं, ये साथ में आए थे, उनके खाद को, इतना खाद बचा हुआ है अभी। उधर थोड़ा सा खेत है, उसमें इसका छिड़काव होगा। और ये जो इस चक्रोट से लेकर, ये जो चक्रोट आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर, और वो जो पेड़ आपको दिख रहा है वो एक चक्रोट है, उसी चक्रोट पे वो पेड़ लगा हुआ, उस पेड़ तक ये पूरा मेरा ही खेती है, 5 बीघे की खेती यहाँ पे है। तो इसमें हम लोग छिड़काव करने आए हैं गाइज। यहाँ पे बता दूँ आपको, परसों यानी कि 2 दिन पहले इस खेत में मैंने छिड़काव किया था। 9 डब्बे दवा लगे थे, 9 डब्बों का छिड़काव मैंने नैपसेक स्प्रेयर मशीन से किया था। और इसके बाद इसमें खाद का छिड़काव हो रहा है। खेत में अभी नमी है, थोड़ी बहुत नमी है, खाद इसमें अच्छे से डल सकती है, और पैर वगैरह अच्छे से इसमें आ जा रहा है, ज़्यादा धंस नहीं रहा, ठीक है। तो खाद का छिड़काव और खाद भी अच्छे से लगेगा। तो किसान भाइयों, आप लोग इस खेत का नज़ारा देख सकते हैं। मैं आया हूँ अपने खदरे वाले खेत में, जो दूर का खेत होता है, सभी गाँव में होता है और सबके वहाँ होता है। आप सभी को पता होगा, अगर आप एक किसान के घर से बिलोंग करते हैं, रहते हैं, किसान के बेटे हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। और आप सभी को पता है कि मुझे खेती किसानी से संबंधित जो जानकारी होती है, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे गर्व फील होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे कृषि हब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।